अरे आप लोग यहाँ हो और मैं ना जाने आप लोग को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। तो चलिए अगर आ ही गए हैं तो फिर वीडियो को पूरा देख के जाइए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप इस ट्रिप की शुरुआत से काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, लेकिन इस व्लॉग को कोई आम व्लॉग मत समझना, क्योंकि मेरे जो दिल की बातें थीं जो मैं फ़ोटो या फिर मैं पेपर पर लिख नहीं पाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के जरिए उन बातों को आप तक पहुँचाया जाए। क्यों, सही बोला ना, मतलब सही सोचा ना। तो वेट किस बात का कर रहे हो, और चलो देखते हैं। तो रूरी भी सुबह के 9:15 हो रहे हैं और निकलते निकलते काफी लेट हो गए हम लोग। वो ऊपर में जो आप देख रहे हो ये नीलखंड स्टे, तो ये छोटा सा कॉटेज था जिसको हमने लिया था। हम टोटल 5 बंदे थे और हम 5 बंदों के लिए 600 रुपये का पड़ा, तो बहुत ही सस्ता था। 100 रुपये की उधारी जैकेट इनको बहुत महंगी पड़ रही है, तो इसलिए कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है हमें समझ ना आ रहा। नहीं, तो, लेकिन हम तो ले रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा। मेरे लिए 4 जैकेट पैक कर दी जाए। तो डूडीज यहाँ से हमारी चोपटा तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो आपको यहाँ पे पूरी करनी होंगी, लाइक अपनी कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी होती हैं कि कितने बंदे हैं क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमने पूरी कर ली हैं और अब हम फटाफट आगे निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये व्यू। और ये हमारी पलटन आगे पहुँच गई है और ये वेट कर रहे हैं। फैसल समानी भाई क्या बोलना चाहेंगे भाई, ये मेरा दूसरा राउंड है, आप एक राउंड में थक गए, ऐसे कैसे? आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा राउंड में क्या हो रहा है क्या? हाँ, एक राउंड में थक गए यार आप लोग जो आराम करके आ रहे हैं नीचे। अच्छा, ये रात को सपने में गया था। सो डूडीज अभी हम लोग 600-700 मीटर ऊपर आए हैं, चढ़ाई इतनी खड़ी है, सबकी सांसें फूल रही है और हमारी जो टीम है वो बोलने के भी घोड़ा देते हैं। तो देख सकते हो सामने घोड़े आ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए बोले घोड़े चलते हैं, कुछ टाइम के बाद भी बोलते नहीं यार पैदल चलते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जाते टाइम तो नहीं बट आते नहीं घोड़ा थैंक यू अरे भैया जाते टाइम तो नहीं बट हाँ आते टाइम ये लोग घोड़ा जरूर लेंगे। तो देखते हैं अभी, और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि चढ़ाई जो है वो बिल्कुल ऐसे है और लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो 4 किलोमीटर पहाड़ों पे चढ़ना है हमें बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है घोड़े के लिए शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं अभी। हाँ भाई, क्या डिसाइड हुआ, घोड़ा ले लो? हाँ नहीं ले रहे, देखा ड्यूटी मैंने आपको बोला था। और ये फैसल भाई आ रहे हैं हमारे बेजुबान जानवर पे जुल्म करते हुए, ये जुल्म हम नहीं सहेंगे भाई, वीडियो में एक्सपोज कराया जाएगा। फैसल समानी है, ये बहुत पैसे इनके पास, तो ये पेटा वाले देखें जरा इनको जरूर। भैया भैया, हम कितनी हाइट पे, कितनी ऊंचाई पे? साढ़े नौ सौ फीट पे, 9,500। अच्छा, और टोटल कितना फीट होगा, ऊंचा होगा ये जहाँ पे जाना है? तुंगनाथ 13,700। और चंद्रशिला 1,000 फीट, मतलब 14,500। अच्छा, रूडीज अभी हम लोग 9,000 फीट ऊंचाई पे आ चुके हैं और तुंगनाथ जो हमें जाना टेंपल वो है लगभग 13,000 फीट पे, और उसके ऊपर जाएंगे हम चंद्रशिला जो कि है उससे 1,000 फीट ऊपर, यानी कि 14,500 फीट पे। खुशल कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है भाई, जबरदस्त जगह है, मौसम भी अच्छा हो रखा है और प्लेस तो खैर बहुत ही अच्छा है, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं। और ये जो हम देख रहे हैं क्या, ये जो आपको कैंप से दिखाई पड़ा ना, ये जो शेड जो तीन जैसा हाथ से बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप 1 किलोमीटर आ चुके हैं। ये 1 किलोमीटर, हाँ ये 1 किलोमीटर हुआ है अभी। अच्छा, 1 किलोमीटर, अभी हमें 2.5 किलोमीटर और चढ़ना है ऊपर, और चढ़ना है। लेकिन ये यहाँ से जहाँ से ये नाली उठी हुई है जो हल्का सा ऊंचा कर दिया इसको, और ये इसका मतलब ये है कि आप 1 किलोमीटर चढ़ चुके हैं ऊपर, अभी ऐसा हमें दो और मिलेंगे। यदि अगर आसमान साफ होता तो पूरा हिमालय, चोखंबा है और सुंदरी पर्वत, हाथी पर्वत सब दिखाई देते। अच्छा, गंगोत्री यमुनोत्री का इलाका कहाँ पड़ता है,
लेकिन क्या करें, बादल हो गया। सो इसको हमारा बैड लक बोलेंगे, हमारा दुर्भाग्य बोलेंगे, सौभाग्य बोलेंगे? सौभाग्य वरना गर्मी में चढ़नी बात है ना पहाड़ों पे। हाँ, अनजान शहर में किसी साथी का मिलना सच में किसी सौभाग्य से कम नहीं है। हमें हमारी ट्रैकिंग में प्यारा सा ब्रूनो मिला, जिसके साथ हमने काफी टाइम स्पेंड किया। डूडूज सयानू ने बोला है कि अगर किसी ट्रिप में कोई दिमाग वाला बंदा हो ना, तो ट्रिप पे चार चांद लग जाते हैं। और इस ट्रिप पे दिमाग वाला बंदा मैं हूँ। सो हम आ रहे हैं वहाँ नीचे से, हम उस नीचे से आ रहे हैं और रास्ता पूरा घूम के वहाँ से पूरा घूम के ये आता है। बट मैंने बोला कि शॉर्ट यहाँ से मारते हैं शॉर्टकट, ये जो मंदिर है इस मंदिर से शॉर्टकट मार के हम वहाँ से होते 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 यहाँ जाके यहाँ पे आ गए, ये ज़्यादा सही था। और इसी बात को देखते हुए हमारे दोस्त और हमारे भाई लोग शॉर्टकट मार रहे हैं। इसके पहले जो हमने बात की थी अभी कि 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, वो प्लेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो प्लेस आप देख सकते हो नीचे, वो जो कॉटेज सा बना है, मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये वाला। यहाँ पे हमने स्टॉप लिया था, पहला स्टॉपेज, और हमें जाना है उधर। उधर किधर मैं आपको बता दूँ, तो वो जो बिल्कुल ऊपर टॉप दिख रहा है आपको बादल की वजह से, आई गेस शायद आपको क्लैरिटी सही दिखे ना, सारे बादल यहाँ पे। तो हमें जाना है उस टॉप पे जहाँ पे तुंगनाथ मंदिर है। बहुत ही एडवेंचर हमारा ये ट्रिप रहा है अभी तक का, बहुत मज़ा आ रहा है। आज हमारा डे वन है, नहीं आज हमारा डे टू है, आज हमारा डे टू है। और यहाँ से फ्री होंगे तो हम लोग पास में ही सोच रहे हैं कि एक छोटा सा कैंपिंग वम्पिंग लेके कैंपिंग करें, बोनफायर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से कितने फ्री होंगे। वैसे तो हमने टाइम लगाया था कि 4-5 घंटे लगेंगे ट्रैकिंग करने में, लेकिन जिस तरीके से फोटोग्राफी चल रही है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, 6-7 घंटे से कम नहीं लगेगा। फटाफट पहुँचते हैं ऊपर और फिर आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। मैंने कहीं सुना था कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो सफर का पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो हमारी मंजिल और सफर दोनों ही बहुत खूबसूरत है। फाइनली वी हैव रीच तुंगनाथ टेम्पल, और ये टेम्पल ऊपर है, आप देख सकते हैं, दिखाना जरा इसको। करीब 1.5-2 साल के बाद ट्रैकिंग की है। सो वो जो फ्लो था, फ्लो बिल्कुल हट चुका था, 3 किलोमीटर में हालत ख़राब हो गई है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ आकर के फिर वापस फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है, थोड़ा टेम्पल विजिट करेंगे। जी का तृतीय के बाद तुंगनाथ जी है। यहाँ पे भगवान शंकर जी के हृदय पूजाओं की पूजा की जाती है। विश्व का सबसे ऊंचाई का शिव मंदिर है। यहाँ की हाइट ऊंचाई 12,772 फीट है। ये पंच केदार में तीसरा केदार है भगवान तुंगनाथ जी। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम जय। तुंगनाथ की चढ़ाई करने के बाद से अब हम निकल पड़े हैं चंद्रशिला के ट्रैक पे, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यार शॉर्टकट लेके चलना था, ये वाला, ये वाला ना, ये बहुत लंबा है, ये सीधा बचो दो शॉर्टकट, वेट कर लो, वहां वेट करके चलते। टूडीज फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट चंद्रशिला मंदिर पहुंच चुके हैं। और यहाँ वाला जो ट्रैक था वो वैसे तो टफ है, बट नीचे का जो 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक किया, उसके आगे कुछ नहीं है। सो अब आदत से भी बन गई थी, सो इसलिए तो पता लगा नहीं।
करके चंचला से नीचे उतर रहा हूँ मैं, और ये अपना तुंगनाथ मंदिर यहीं पे है। तुंगनाथ के पास मैं पहुँच गया हूँ। हमारे दो साथी आगे हैं, दो साथी पीछे हैं। जो तो आगे चल गए वो बहुत जल्दी चले गए। मेरे को एक्चुअली फोटो वोटो खिंचाना था तो मैं फोटो लेकर रुक गया था, और जो दो साथी पीछे हैं वो लोग बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। फाइनली हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा होटल था जहाँ हमें स्टे किया था हमने, और हम यहाँ से जाएंगे खाना खाने। भाई मेरे हिसाब से अभी चल लेते हैं हम तुरंत, बिल्कुल, क्योंकि लेट किया ना तो हमें कुछ मिलना नहीं है फिर। चाचा कहाँ रह गया? चाचा भी बोला।